तो वहीं शिलाई में लगातार पड़ रही तेज गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। तो वहीं देखा जाए तो जोरदार तूफान लोगों को परेशान करते हुए भी नजर आया। तूफान के चलते प्लेन इलाकों में लगभग 2 घंटे तक बिजली भी गुल रही और सतौन के आसपास पंचायतों में तो लोगों को बिना बिजली के ही रात गुजारनी पड़ी। शिलाई में देखा जाए तो नेशनल हाईवे 707 जोरदार तूफान के चलते कई पेड़ गिरे। इतना ही नहीं, एक सफेदे के पेड़ तो गिरने से बाल बाल बच गया। तूफान से इस तरह का आतंक देखने को मिला है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, बिना बिजली के ही लोगों को रात गुजारनी पड़ी है। अचानक मौसम में हुए बदलाव की वजह से ये जनहानि देखने को मिली। तूफान ने जमकर आतंक मचाया। इस दौरान कई पेड़ गिर गए और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि देखा जाए तो लोगों को बिना बिजली के ही रात गुजारनी पड़ी है। प्रशासन लगातार हालात का जायजा ले रहा है।